अध्यक्ष जी, आज जो आपकी मीटिंग हुई है इसके बारे में बताइए क्या। देखिए, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, उस चुनाव की तैयारी के लिए जनपद अमरोहा में जिला कांग्रेस कमेटी अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर अपने संगठन को, अभी हमारा संगठन न्याय पंचायत अध्यक्ष तक बना है, इस संगठन को हम बहुत जल्दी न्याय पंचायत की कमेटी, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत की कमेटी, बूथ के अध्यक्ष, प्रभूति कमेटी तक बहुत जल्दी ले जाना चाहते हैं। ऐसे हमारे नेताओं का आदेश है, क्योंकि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए संगठन का रोल महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम लोग संगठन को बहुत प्रभावी बनाने के लिए और अपने लोगों को, यहाँ ब्लॉक की मीटिंग है धनौरा की, और न्याय पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक कमेटी के लोग हमने बुलाए हैं और सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता आए हैं। इनसे हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कैसे कितनी जल्दी हमारी ये संगठन का ढांचा तैयार हो सके। वो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस कोरोना काल में लगातार सेवा सत्याग्रह अभियान चला रही है। उस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लोगों को ऑक्सीजन, दवा, किट, बेड, जो भी कुछ उपलब्ध करा सकते थे, खाना, पानी, राशन सब उपलब्ध कराया है। और आज फिर ये कोरोना की किट आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी ने और आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने हमारे ब्लॉक अध्यक्षों को, न्याय पंचायत अध्यक्षों को गांव-गांव में भिजवाने के लिए भेजी है कि जो भी परेशान हो, पीड़ित हो, इसे दवाई ना मिल रही हो अस्पतालों में और कहीं ना कहीं घरों में होम आइसोलेट हो, उसको ये कोरोना की किट हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव घर घर पहुँचा के आए। धन्यवाद। जैसे कोरोना के चलते हर जिले में विकास के सभी काम 3-4 महीने से बंद थे, अब जैसे समय भी कम बचाया तो सरकार का, तो ये वादे सरकार के कैसे पूरे होंगे? देखिए, सरकार के तो वादे कभी पूरे हो ही नहीं सकते। सरकार को तो 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल, 6 महीने बचे हैं चुनाव में। तो जो भी इन्होंने चुनाव से पहले वादे किए थे, इनका कोई वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये वादे हमेशा खोखले होते हैं, इनके वादे हमेशा झूठे होते हैं। चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वादे किए हों, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए हों, जो भी वादे करते हैं भाजपा के लोग, वो कभी खरे नहीं उतरते, हमेशा झूठे ही वादे ही लोग देश के साथ करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है वो निभाती है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में जो भी वादे वहाँ की जनता से किए, वो वादे उन्होंने पूरे किए। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जो भी कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश की जनता से वादे करेगी, उनको अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो निश्चित तौर से पूरा किया जाएगा। जैसे सभी जिलों में जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख और खेमेबाजी शुरू हो गई है, 3 जुलाई को मतदान है और यूपी की सत्ता का सेमीफाइनल ये चुनाव है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, ये जो लोकतंत्र में जो ये खरीद फरोख का मामला चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, अपना नुमाइंदा चुनती है और इस आशा और उम्मीद के साथ चुनती है कि जिस भी सदन में हमारा प्रतिनिधि जाएगा, हमारे हक और सम्मान की आवाज़ उठाएगा। पर उनका दुर्भाग्य होता है कि वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम से अलग हटकर मामला मोल भाव तक पहुंच जाता है। हमें पूरी ये है कि भाई यहाँ पर भाजपा की सरकार, यूपी की सरकार कहीं ना कहीं चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रयास करेगी, परंतु जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जैसे कल एक वीडियो वायरल हुआ है जो जनपद अमरोहा का होने का दावा किया जा रहा है, उसमें कुछ बीडीसी के प्रत्याशी और जीते हुए लोग बताए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? वीडियो मैंने अभी बारीकी से वो नहीं देखा है, मैंने वीडियो को देखा नहीं है जिसको मैं बता सकूं वो वीडियो कहाँ का है। अगर मैं वीडियो देखता तो मैं ज़रूर बताता, परंतु जैसा मैंने सुना है कि वीडियो वायरल हो रहा है, बीडीसी के मेंबरों के साथ कोई नाचने गाने का प्रोग्राम चल रहा है, ये बिल्कुल घातक है, इसकी मैं आलोचना करता हूँ और निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करने की मांग भी करता हूँ। ठीक, धन्यवाद।